पिछले वीडियो में आपने संज्ञा के विकारक तत्व लिंग के विषय में जाना, आज हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। आइए हम वचन समझते हैं। वचन यानी नंबर। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। समुद्र तट पर अनेक नावें थी, एक नाव में मछलियों का अंबार लगा था, उसमें से माया ने एक मछली उठाई। उपर्युक्त वाक्यों में आए नावें तथा मछलियों शब्दों से नाव तथा मछलियों के एक से अधिक होने का पता चल रहा है और नाव तथा मछली शब्दों से उनके एक एक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार के शब्द जिनसे किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक अथवा अनेक होने का बोध हो वचन होते हैं। वचन शब्द का अर्थ है संख्या बताने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। आइए अब हम वचन के भेद समझते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला एकवचन तथा दूसरा बहुवचन। एकवचन जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ किसी एक वस्तु व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे हम एकवचन कहते हैं, जैसे तोता, चाबी, बच्चा। बहुवचन जिस शब्द से अनेक वस्तु यानी एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते, चाबियां, बच्चे। अब हम वचन की पहचान किस प्रकार करेंगे? वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, पहला संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा। आइए हम समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम कैसे वचन को पहचानेंगे। आप इस वाक्य में देखेंगे तितली उड़ रही है, यहां पर तितली क्या है? एक वचन है। तितलियां उड़ रही हैं, यहां पर तितलियां क्या है? बहुवचन है। मैं पत्र लिख रहा हूं, एक वचन। हम पत्र लिख रहे हैं, यहां पर हम बहुवचन है। अब हम क्रिया के द्वारा कैसे वचन की पहचान करेंगे? मोर नाच रहा है, एक वचन। मोर नाच रहे हैं, यहां क्रिया में बदलाव से पता चलता है कि यहां पे एक से अधिक मोर के विषय में कहा जा रहा है। हाथी पानी पी रहे है, हाथी पानी पी रहा है, यहां पर पी रहा है ये एक वचन को बता रहा है कि एक हाथी पानी पी रहा है। हाथी पानी पी रहे हैं, यहां पर यह क्रिया अनेक हाथियों के विषय में बता रहा है, तो ये बहुवचन है। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति कब होती है? आइए इसको हम समझते हैं। सम्मान या आदर प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे, यहां पे हम भगत सिंह को आदर दे रहे हैं। दादाजी जा रहे हैं, यहां पे हम दादाजी को आदर देने में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी सम्मान या आदर प्रकट करते हैं तो हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव हम एक वचन में ही करते हैं। आइए देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ, क्रोध आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आज खूब पानी बरसा, सारा आकाश स्वच्छ है, जनता ने अपने नेता का स्वागत किया। इन सारे शब्दों को हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। आइए हम आगे कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उसके प्राण निकल गए, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, मैंने हस्ताक्षर किए।
तो आप इन शब्दों को हमेशा याद रखेंगे, किन शब्दों को हम एकवचन में प्रयोग करते हैं और किन शब्दों को हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ एकवचन से बहुवचन बनाने के नियमों को समझें। पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे बात बातें, सड़क सड़के, बहन बहने, कलम कलमे। इन शब्दों को आप अपनी पाठ्यपुस्तक से याद करेंगे। आइए हम दूसरे नियम को देखते हैं एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे भाला भाले, कपड़ा कपड़े, चना चने, घोड़ा घोड़े। आप इन शब्दों को याद करेंगे। आइए हम तीसरे नियम को समझते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है। जैसे लता लताएं, कन्या कन्याएं, सभा सभाएं, माला मालाएं। इन शब्दों को आप याद करेंगे। आइए हम अन्य नियमों को भी समझते हैं। इकारांत और ईकारांत, यानी इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ईकारांत शब्दों की ई को ह्रस्व यानी छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे नदी नदियां, सखी सखियां, संधि संधियां, लिपि लिपियां। आइए हम पांचवें नियम को समझते हैं। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, चूहिया का चूहिया। आप इन शब्दों को याद करेंगे। छठा नियम देखते हैं। उकारांत और ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ऊ और अ में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे गौ का गौए, वस्तु का वस्तुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं। इन शब्दों को आप याद करेंगे। आइए हम और कुछ शब्दों को समझते हैं कि उनका हम बहुवचन रूप कैसे बनाते हैं। कुछ शब्दों के साथ वृंद वर्ग जन लोग और गण आदि शब्द लगाकर हम उसका बहुवचन का रूप बनाते हैं। जैसे छात्र का छात्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र मित्र वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, आप लोग, पक्षी पक्षी वृंद, गुरु गुरुजन, प्रजा प्रजाजन, मंत्री मंत्रीगण। उम्मीद है आप वचन समझ गए होंगे। अपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया वचन के विषय में। आप वचन बदलो, एक वचन से बहुवचन, ये सारे सबको याद कर लेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर 11th वीडियो फॉर योर सेकंड चैप्टर। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड विद द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन द रूलर्स ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिशर्स। हमने देखा था कि मैसूर में ब्रिटिश को के ट्रेड को इफेक्ट कर रहा था मैसूर का रूल, बिकॉज द रूलर्स वर नॉट अलाउिंग देम टू ट्रेड इन स्पाइसेस। इसके वजह से आपकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, जिसका बैकग्राउंड और रिजल्ट्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। नाउ लेट अस सी योर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई थी? अगेन बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द रूलर्स ऑफ मैसूर। अगर आप अब डेट देखेंगे, सो इट स्टार्टेड इन 1780 एंड इट एंडेड इन 1784। स्टार्ट कब हुआ था? 1780 में, और 1784 में एंड हुआ था। नाउ वन मोर थिंग यू विल सी इन दिस इज, ये जो वॉर था ये हाफ वॉर हैदर अली ने लीड किया था एंड अदर हाफ वॉज लेड बाय टीपू सुल्तान। अब क्यों टीपू सुल्तान को इन्वॉल्व होना पड़ा था या क्यों टीपू सुल्तान को हेड करना पड़ा था इस वॉर को? बिकॉज हैदर अली डाइड इन 1782। इस वॉर के मिड में ही हैदर अली का, आई हैव ऑलरेडी सेड यू, ये हैदर अली को कैंसर थी। ओके, सो ही लॉस्ट हिज लाइफ इन 1782 और उसके बाद 1782 के बाद टीपू सुल्तान लेड द वॉर। ओके, नाउ लेट अस सी द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या हुए थे इस वॉर के, लेट अस सी दैट। द वॉर एंडेड विदाउट एनी क्लियर विक्ट्री। सो ये वॉर जो थी वो एंड कर गई थी विदाउट एनी क्लियर विक्ट्री। दैट मीन्स इसमें ना क्लियरली मैसूर के रूलर्स जीते थे ना ब्रिटिशर्स जीते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्यों विड्रॉ किया था खुद को इस वॉर से, आई टेल यू दैट। यू नो
ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे. ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी कोई भी बैटल होगी, इट विल नॉट ओनली बी द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट ओनली लॉस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. केवल सोल्जर्स ही नहीं मरते हैं बट प्रॉपर्टी की भी लॉस होती है, बिकॉज यू नो वॉर टेक्स लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बहुत पैसे खर्च होते हैं एक लड़ाई को लड़ने में. सो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि इंडिया में ये कॉन्टिन्यूस जो इनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडिया में, वो कॉन्टिन्यूस खुद को वॉर में इन्वॉल्व किए हुए हैं. सो व्हाट दे सेड वाज दैट विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम द वॉर. ऑलरेडी वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हार चुके थे और सेकेंड भी जीतने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था. सो ब्रिटिशर्स, आई हैव सेड यू अर्लियर ऑल्सो, दे वर वेरी स्मार्ट. वो फूल्स नहीं थे कि जान कर भी वो लड़ाई में खुद को इन्वॉल्व रखते. सो व्हाट दे डिड वाज दे विड्रू देमसेल्फ फ्रॉम द वॉर. उन्होंने अपने खुद को विड्रॉ कर लिया वॉर से, एंड द वॉर एंडेड विदाउट एनी क्लियर विक्ट्री. कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं हुई. उसके बाद क्या हुआ, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइन. अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी किसके किसके बीच में, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में. रीस्टार्ट द सिचुएशन टू द स्टेट बिफोर द वॉर ब्रोक आउट. सो जैसा वॉर से पहले सिचुएशन था, वैसी ही सिचुएशन को रीस्टोर कर दिया गया था विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ने क्या किया था, जैसा सिचुएशन वॉर से पहले था, जो भी पार्ट्स ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, जो भी पार्ट्स टीपू सुल्तान के कंट्रोल में थे, वो वापस वैसे ही कर दिया गया था. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ बिफोर दैट, यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, इफ यू रिमेंबर, एक ट्रीटी साइन हुई थी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था हैदर अली को दैट इन केस एनी थर्ड पार्टी अटैक्स द मैसूर किंगडम, तो ब्रिटिश उसकी हेल्प के लिए आएंगे. ओके, सो इफ यू रिमेंबर दिस, नाउ सी हियर, when marathas attacked haider ali in 1771, british did not come to help haider ali. so britishers broke their promise. lastly also I said you all that britishers very readily they used to agree to any promise. wo koi bhi promise karne ke liye bahut readily agree kar jate the. kyun? kyunki unhe pata tha ki future mein unhe wo promise fulfill nahi karni hai. okay, so jab 1771 mein maratha kingdom ne haider ali pe attack kiya tha, mysore pe attack kiya, so what haider ali expected, he expected ki britishers की हेल्प के लिए आएंगे, बट दे डिड नॉट कम फॉर हिज हेल्प. वो उनकी रेस्क्यू के लिए नहीं आए, एंड हैदर अली हैड टू फाइट द बैटल ऑल बाय हिमसेल्फ. ओके, सो अब ये क्या हुआ था, इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स डिसएग्रीड टू द पीस ट्रीटी जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन हुई थी. ओके, सो एक सिचुएशन ऐसा भी अराइज हुआ था, सो यू कैन से ये भी एक पॉसिबिलिटी थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के, ब्रिटिशर्स विड्रॉइंग देयर सपोर्ट और गोइंग अगेंस्ट द ट्रीटी भी एक रीजन थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की. ओके, अब ब्रिटिशर्स क्यों नहीं आए थे उनकी सपोर्ट के लिए, बिकॉज यू नो व्हाट दे फेल्ट, कि अगर मराठास हैदर अली को हरा देते हैं सो समवेयर दैट विल बी अ विक्ट्री फॉर ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में और वो हैदर अली को हरा नहीं पाए थे, दे वर नॉट एबल टू डिफीट हिम. ओके, सो व्हाट दे फेल्ट वाज कि दे वर, यू नो हैव यू रेड दैट स्टोरी ऑफ कैट एंड मंकी, जहाँ पे दो बिल्लियां एक चपाती के पीस के लिए झगड़ती रहती है, मंकी टेक्स द एडवांटेज. सो दे वॉन्टेड द सेम सिचुएशन टू हैपन, जहाँ पे हैदर अली और मराठास खुद में लड़े और एडवांटेज किसको हो, ब्रिटिशर्स को एडवांटेज हो. ओके, क्योंकि बाय दैट टाइम मराठास वर इन फेवर ऑफ ब्रिटिश. ओके, और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अगेंस्ट थे मैसूर के किंगडम के लिए, बिकॉज मैसूर वॉज सपोर्टिंग फ्रेंच. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो एक और चीज थी आपको टीपू सुल्तान के बारे में जाननी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो टीपू सुल्तान हैड अ वेरी साइंटिफिक आउटलुक. आपकी जो फर्स्ट रॉकेट थी इंडिया में, वो पता है किसके रूल में बनी थी, वो टीपू सुल्तान के रूल में बनी थी, एंड स्टिल द पिक्चर ऑफ और हिज फोटो इज हंग इन नासा. अभी भी नासा में टीपू सुल्तान की पिक्चर लगी हुई है. ओके, सो अमंग वेरी रेयर किंग ही वॉज हु हैड साइंटिफिक आउटलुक. ओके, सो दिस वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टीपू सुल्तान. सो अब समझ में आ गई बैकग्राउंड, आपकी फर्स्ट एंग्लो सॉरी योर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की. सो आपकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी की डिसएग्रीमेंट की वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी. नाउ लेट अस सी योर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डील विथ योर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का क्या बैकग्राउंड था, क्या रिजल्ट था, किसके बीच में हुई थी,
वन मोर थिंग, अभी तक तो टीपू सुल्तान, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बारे में आप पढ़ते आ रहे थे, बट आपने एक नए लोगों के बारे में पढ़ा, मराठास। सो आप इनके बारे में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में भी पढ़ेंगे। सो मराठास आए थे, निजाम्स आए थे, निजाम ऑफ हैदराबाद आए थे। सो ये लोग क्यों इन्वॉल्व हुए थे, क्या रिजल्ट था और कैसे एक कंडीशन अराइज हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के लिए। सो दैट विल बी रीडिंग इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।